UPSC versus SSC इस टॉपिक के लिए ये रिक्वेस्ट आई है। ये दोनों गवर्नमेंट जॉब्स के एग्जाम्स हैं। UPSC एग्जाम कराता है सिविल सर्विसेज के लिए, SSC के एग्जाम्स होते हैं गजेटेड एंड नॉन गजेटेड ऑफिसर्स की पोस्ट के लिए। UPSC से आप ग्रुप ए ऑफिसर बनते हो, SSC से आप ग्रुप बी ऑफिसर बनते हो। सैलरी किसकी ज्यादा? UPSC की पोस्ट ऊंची तो सैलरी ऊंची, SSC की पोस्ट नीची तो सैलरी कम। UPSC की तीन स्टेजेस, पहले प्रिलिमिनरी एग्जाम, फिर मेंस, फिर इंटरव्यू। SSC में भी यही तीनों स्टेजेस हैं, मगर ग्रुप सी पोस्ट में अब इंटरव्यू नहीं होते। UPSC के लिए एज लिमिट है 21 से 32, SSC के लिए 18 से 32। UPSC क्लियर करने पर आप IAS बन सकते हो, IPS बन सकते हो, IFS बन सकते हो, IT डिपार्टमेंट जा सकते हो, कस्टम और एक्साइज डिपार्टमेंट जा सकते हो। SSC क्लियर करने पर आप सब इंस्पेक्टर बन सकते हो, दिल्ली पुलिस में, CBI में, BSF में, CRPF में, दोनों के लिस्ट स्क्रीन पर है। UPSC के एग्जाम बहुत मुश्किल मगर प्रमोशन जल्दी, SSC के एग्जाम्स आसान मगर प्रमोशन बहुत धीरे।